सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को और नए वीडियोस की जानकारी पाइए सबसे पहले। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूं कि किस तरह आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप सिस्टम को किस तरह फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। हेलो दोस्तों, मैं मनोज सर आपका स्वागत करता हूँ टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में। दोस्तों कई बार हमारे कंप्यूटर या फिर लैपटॉप सिस्टम में वायरस आ जाता है जिसकी वजह से हमारा सिस्टम बहुत ज़्यादा स्लो होता है, हैंग करने लग जाता है या फिर उसमें जो भी एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर हम ओपन करते हैं वो बहुत धीरे ओपन होता है, यानी बहुत स्लो ओपन होता है। तो ऐसे में हमारे पास कोई चारा नहीं बचता तो हम अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप सिस्टम को फॉरवर्ड मारने की सोचते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि किस तरह हम अपने सिस्टम को फॉरवर्ड मार सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को कैसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक विंडो सीडी या फिर बूटेबल पेन ड्राइव होना चाहिए जिसमें विंडो हो, तभी आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप सिस्टम को फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को फॉरवर्ड करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम से विंडो को पूरी तरह डिलीट कर रहे हैं और एक नया विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ऐसे में आपके पास विंडो सीडी या फिर बूटेबल पेन ड्राइव होना बहुत जरूरी है। तो चलिए आइए आप सीखते हैं कि किस तरह आप अपने सिस्टम को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास बूटेबल पेन ड्राइव जिसमें विंडो डला हुआ है या फिर आपके पास विंडो सीडी है तो आपको अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है। तो जैसे आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे तो ये आपसे कहेगा कि प्रेस एन की, तो आपको अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप सिस्टम पे कोई सा भी की प्रेस करना है आपके कीबोर्ड में। फिर अगर आप पेन ड्राइव से विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको F12 प्रेस करना होगा अपने कीबोर्ड में। तो जैसे आप F12 प्रेस करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर USB SSD ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना होगा, तभी आप विंडो के सेटअप में जा सकते हैं। तो जैसे आप इस पर प्रेस करेंगे तो ये आप विंडो के सेटअप में पहुंच जाएंगे। इसके बाद विंडो सेटअप लोड होगा तो इसके लिए कुछ टाइम लेगा, 1 से 2 मिनट का समय। तो जैसे विंडो सेटअप कंप्लीट लोड हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पर ये कुछ इस तरह का स्क्रीन दिखाई देगा जो भी आपका विंडो है। तो यहाँ पर मैं विंडो 8 की मदद से अपना कंप्यूटर फॉर्मेट कर रहा हूँ और विंडो 8 इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। तो आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा सेटअप इज स्टार्टिंग, तो यहाँ पर सेटअप स्टार्ट हो रहा है। तो इसके लिए कुछ वक्त ले सकता है, 1 से 2 मिनट का। तो जैसे ये सेटअप कंप्लीट लोड हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पर आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद अब आपको कस्टम इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पर जितने भी पार्टीशन है आपके कंप्यूटर सिस्टम में वो आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है, आपने जिस किसी भी ड्राइव में विंडो इंस्टॉल करा था, फॉर एग्जांपल आपने सी ड्राइव में विंडो इंस्टॉल करा था और आप उसे फॉर्मेट मारना चाहते हैं, तो सिंपली आपको उस ड्राइव को सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे आप उस ड्राइव को सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर फॉर्मेट का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आपको सिंपली फॉर्मेट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको सिंपली ओके पे क्लिक करना है। तो जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर से विंडो पूरी तरह डिलीट हो जाएगा, यानी एक तरह से आपका कंप्यूटर फॉर्मेट लग जाएगा। तो ये सब डिलीट करने के बाद उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, यानी आपका जो पुराना विंडो था वो पूरी तरह डिलीट हो जाएगा और उसके बाद एक नया विंडो इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस तरह आपका कंप्यूटर पूरी तरह फॉर्मेट लग जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि कितने आसानी से आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप सिस्टम को किस तरह फॉर्मेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और यदि मन में कुछ भी सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स पे कमेंट करें। और आपको मुझसे पर्सनली चेक करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं, या फिर आपका जो भी क्वेश्चन है वो आप मुझे ट्विटर पे भी ट्वीट कर सकते हैं। और अगर आप न्यू है और ये वीडियो पहली बार देखा है और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो के जस्ट नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, उस पर सिंपली क्लिक करके आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा के लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी पा सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूं मैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।